हेलो गाइस, आई एम सिद्धार्थ सिंह और आज हम लेंगे एक नया क्वेश्चन जो कि हमारे व्यूअर्स ने पूछा है। देखिए, हर वीडियो को बनाने में हम लोगों को डीप स्टडी करनी पड़ती है। सर को तो काफ़ी टाइम देना पड़ता है, उसके बाद वो एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन की और फिर उस पर स्टडी करने के बाद ही कोई आंसर देते हैं। सर को एक्सपीरियंस है 35 ईयर का। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और प्लीज़ शेयर करिए। अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो मुँह जबानी आप लोगों को बताइए। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो अपने जो आपके साथ में स्टूडेंट हैं उनको बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है और आप यहाँ से ये स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बस एक ही मोटो है, इंडियन डेमोक्रेसी को एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। सो प्लीज़ इस मूवमेंट को सफल बनाइए। तो सर, एक क्वेश्चन जो आया है, इफ़ हस्बैंड वांट टू फाइल 497 एडल्ट्री केस, व्हाट विल बी द प्रोसेस एंड व्हाट एविडेंस शुड प्रोवाइड टू द कोर्ट और टू द पुलिस। ये क्वेश्चन आया है हमारे एक व्यूअर से, तो इसका क्या आंसर होगा? ये 497 जी, 497 जी, ये मैरिज से संबंधित अपराध है जी। इसको सीआरपीसी में धारा 198 सीआरपीसी में इसका विवरण दिया गया है जी, कि किस तरह से ट्रायल होगा जी। ये पूरा का पूरा 20 अध्याय जो है, 20 चैप्टर आईपीसी का, ये 493 से लेकर 99 तक है जी। इसका पूरा ट्रायल जो है कंप्लेंट केस के रूप में होता है जी, है ना। इसमें 497 में एग्रीव्ड पार्टी हस्बैंड होता है जी, और वो परिवार के रूप में केस फाइल कर सकता है जी, और उसका ट्रायल होता है। वैसे ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं जी, है ना जी। अच्छा, इसमें ये हस्बैंड केस फाइल करेगा अपने वाइफ के अपोजिशन में, और ये जब कोई विवाहित, ये जानते हुए कोई विवाहित पत्नी से कोई गलत दूसरा आदमी संबंध बनाता है तो 497 आईपीसी का केस बनता है। अच्छा, और ये गंभीर अपराध है, 5 साल की सजा है इसमें जी, है ना जी। लेकिन इसको कंप्लेंट के ही माध्यम से इसका किया जा सकता जी, है ना जी। इसमें अगर पति अक्षम है, नाबालिग है, तो पिता और ब्लड रिलेशन के लोग नहीं कर सकते हैं। तो सर, अगर नाबालिग है तो उसकी शादी नहीं हो सकती ना फिर, इन केस अगर ऐसा है। हाँ, इन केस ऐसा है अगर वो दिमागी तौर पे अक्षम है या बाहर मिलिट्री में है या कहीं बाहर जॉब करता है जी, जी, जी। नहीं पहुंच सकता तो उसके पिता अच्छा द्वारा भी केस किया जा सकता है, लेकिन ये टोटली कंप्लेंट केस बनता है। अच्छा, है ना जी, ये परिवार के रूप में ही चलाया जाता है जी, है ना जी। और ये जैसे और अपराध हैं पर, और महिलाओं से संबंधित जितने अपराध हैं जी, 376 रेप, ये सब जो है जी, ये सामाजिक अपराध माने जाते हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत अपराध है जी, ये सिर्फ पति के विरुद्ध, विक्टिम उसमें पति ही होता है। अच्छा, है ना जी। तो इसलिए इसमें सबूत भी जुटाना बड़ा मुश्किल है जी, और इसका ट्रायल भी कराना थोड़ा टिपिकल है जी। फिर भी इसमें 5 वर्ष की सजा है जी, है नहीं जी। और इसमें पत्नी को दोषी नहीं, इनके खिलाफ कोई अभियोग नहीं बनता। अच्छा, है ना जी। ये जान लें विवर्स हमारे जी, जब क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जी, तो मैं उस पर नहीं। तो ये 5 साल की सजा किसके लिए है? वो जो गैर मर्द, जो अच्छा जो थर्ड पर्सन है जिसने अगर कोई रिलेशन रखा है, संबंध बनाता है, तो उसके विरुद्ध अभियोग बनता है जी, है नहीं जी। और उससे जो दुखी पर्सन है वो उसका पति होता है जी, है ना जी। पत्नी के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है, उसका उसमें कंसेंट भी हो सकता है जी, है नहीं जी। पत्नी का तो होने पर भी उसके विरुद्ध कोई अपराध, कोई केस नहीं बनता है। तो ये था आपका क्वेश्चन और इसका जो आंसर था वो सर ने दे दिया। तो होप आप सेटिस्फाई होंगे इस आंसर से। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और ये एक मूवमेंट है जो हम लोग चाह रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करें। सो प्लीज़ इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों को बताइए। अगर आप मुझबानी बता सकते हैं मुझबानी बताइए, लिंक शेयर कर सकते हैं लिंक शेयर करिए, और थंब अप तो दीजिए ही इस वीडियो को। अगर कोई सजेशन हो, कोई एक्सपर्ट देख रहा हो, मेरे क्वेश्चन पूछने में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप अपना सजेशन दीजिए, हम लोग वीडियो में वो सुधार लाने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से हम लोग पूरा का पूरा वीडियो हिंदी में बनाते हैं, ताकि इंडियन हर आदमी इसको समझ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। सो थैंक फॉर वॉचिंग।